हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग खत्म किया तो सोचा दूसरे को स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा था मुझे और मैंने ये वाली जो कुर्ती है ये पहन ली है। ये बिल्कुल लॉन्ग है नीचे तक और फ्रॉक वाली जो कुर्ती होती है वो है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो कुछ साड़ीज़ निकाली मैंने, तो सोच रही थी कि एनिवर्सरी पे साड़ी पहनूं, तो अब देखती हूँ मन करेगा तो पहनूंगी वरना तो नहीं पहनूंगी। वैसे मेरे पास एक कुर्ती भी है नई वाली, दी थी मुझे गिफ्ट, और उसके बाद एक ड्रेस और है तो आपको वो दिखाती हूँ। पहले बना लेते हैं मेरी चाय। टाइम हो चुका है, अभी बन चुके हैं एक, लेकिन मुझे ना चाय पीने का मन कर रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, उसके बाद चाय वाय जो है वो नहीं पी थी, तो अभी मन कर रहा है कि चाय पी लेती हूँ। तो फिलहाल किचन में चलते हैं। चाय है वो बॉईल करने के लिए रखा है और ये बॉईल हो चुका है, इसको क्लीन करना है, लेकिन अब ये ठंडा होगा उसके बाद क्लीन करेंगे। यहाँ पे चाय चल रही है, तो आज का ब्लॉग जो है वो चाय से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, और जिनू से हमने कल क्या मंगवाया था, कल मंगवाया था गुजिया, और ये पड़े हैं इसमें, इसमें से कितने हमने मंगवाई थी, कम ही थे फिर भी, और कुछ तो हम खा गए हैं इसमें से, मतलब चार तो हम खा चुके हैं, बाकी के ये बचे हुए हैं। ये थोड़ा सा अभी खाऊंगी मैं और चाय के साथ, बाकी नहीं चाहिए यार, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। देखो कितने यम लग रहे हैं ना, देखिए ये जो थोड़ा सा है ये मैं अभी खाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं यार, मुझे बहुत पसंद है। मुझे बड़े दिन से मन कर रहा था कि मैं खाऊंगी ये, मैंने जिन्नू को बोला, जिन्नू एक बार भूल गए, फिर सेकंड टाइम को याद करवाया, फिर वो कल लेके आए, उनको कल याद था और कल वो लेके आए। कल जिन्नू के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि होली भी हम कौन सी स्वीट खाते हैं, उसमें गुजिया का ऑप्शन था और गुजिया को टिक करना था, तो वो वाला क्वेश्चन भी जिन्नू को आया था। और जिन्नू ने मतलब अयान ने कभी भी गुजिया नहीं खाया, और कल जिन्नू लेके भी आके फिर मैंने उनको बताया कि ये गुजिया होता है, और फिर उनको इतना ज़्यादा पसंद आया, या फिर हम इसको बोलते हैं मीठे वाले समोसे। अभी चाय पी लेते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? अच्छा, कहाँ गए थे? खेल लिया? गुजिया क्या होता है आपको कल बताया था मम्मा ने? हाँ
अभी निकालते हैं अपनी साड़ीज और साड़ीज दिखाते हैं आपको। तो कौन कौन सी साड़ी लेना पड़ता है, मैंने खूब सारी साड़ीज निकाल के रखी है, अभी उनको निकालते हैं जल्दी से। एक साड़ी है ये वाली, बिल्कुल लाइट वेट होती है इस तरीके से, पूरी प्लेन है और इसके ऊपर ये ऐसे स्टोन्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, और बाकी इस तरह से बॉर्डर है इसका। तो ये भी काफी सुंदर साड़ी है, तो अगर मैं ये लगाऊंगी भी अच्छी लगेगी। और इस तरीके से मैंने इसको स्टिच भी करवाया है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, मुझे बताना कौन सी वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो तीन साड़ियाँ यहाँ मैंने निकाली हैं, और बाकी जो ना छः पे सात साड़ियाँ और हैं, लेकिन वो बड़ी ज़्यादा हैवी, वो नहीं पहनूंगी। ये जो मैंने अभी परचेज की है ये उनमें से है, तो पहले मैं इसको ट्राई करूँगी। तो एक है येलो कलर की, और इसके ऊपर ना इस तरीके का वर्क है, बिल्कुल लाइट वेट है, काफ़ी इजी होती है पहनना और कैरी करना, काफ़ी इजी रहता है इसको। तो ये है इसका पल्ला, और इस तरीके की के बाद सबसे फेवरेट वाली जो मैंने दीदी से ली थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, रेड कलर की, और दो साल से वो मेरे पास ही पड़ी है, मैंने दीदी को वापस की ही नहीं है। अब जब उनको चाहिए होगी ना फिर वापस कर देंगे, तब तक अपने पास रखेंगे। तो इस तरह की साड़ीज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके साथ जो इसका ब्लाउज है वो स्टिच नहीं करवाया, वो भी करवाना है, वो करवा लेंगे अगर पहनी होगी ये वाली। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। अब मैं आपको अपनी रेड वाली साड़ी, रेड वाली साड़ी, और ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखो इस तरीके का इसका डिजाइन है, यहाँ पे स्टोन्स लगे हैं, और ये पूरी साड़ी पे इस तरीके का वर्क है, ये काफ़ी सुंदर साड़ी है। मैं आपको बाहर दिखा तो है ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर साड़ी। और इसके साथ ना मेरे पास ब्लैक कलर का ब्लाउज है, स्लीवलेस है, वो भी काफ़ी सुंदर लगता है वो पहना हुआ इसके साथ। इसको मैंने एक बार पहना था कवर चौथे, और उसके बाद कभी नहीं पहना। तो मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ मैं उसको सिल्क के ऊपर इस तरीके से ना ट्राई करके देखने का सीखती है, वो काफ़ी अच्छी लगती है। और फिलहाल जो इसको कर देती हूँ चेंज, लेकिन जब मैं साड़ी पहनती हूँ क्या है ना, जब मैं साड़ी पहनती हूँ मेरा मन नहीं करता उसको चेंज करने का, और इनसे पहनी भी नहीं थी, अब पहनी है तो थोड़ी देर इसको पहन के रखती हूँ, थोड़ी देर के बाद इसको चेंज करूँगी, और अभी तो कोई काम भी नहीं है करने के लिए, तो काम वाम देखते हैं हम बाद में करते हैं। फिलहाल साड़ी को मज़ा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर बाहर लेट गई थी, थोड़ी थोड़ी धूप में, मतलब फेस को धूप नहीं लग रही थी, बैक को थोड़ी धूप लग रही थी, तब मसाज नींद आ गई थी वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे उठाया, उनको लगी है भूख, और लंची भी रेडी करना था, मैं भूल गई थी क्योंकि सुबह से हम थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, जिन्हों लंच पैक करके ले जाते हैं, तो हमारे पास चने और चपाती जो है वो पड़े हुए थे,
तो मुझे लगा चीनू वो खाएंगे, चीनू बोल रहे हैं हाँ मम्मा खा लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं चावल बनाते हैं, तो चने रखे हुए हैं, तो चने वाली जो खिचड़ी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी जैसे मसाला वाले चने बनाए थे हमने सुबह, उससे पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, वैसे अच्छा ही होगा। तो जो दूसरे होते हैं ना, जैसे हम बनाते हैं जो बॉयल्ड चने होते हैं उसके साथ जो हम बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो वो भी पड़े हुए हैं, लेकिन फिर मैं सोचूं कि वो वाले ही बना लेती हूँ, वो भी यूज़ हो जाएंगे। वैसे तो हम चलते फिरते चने जो खा लेंगे, चाट बना के खा लेते हैं कुछ भी, तो बस अभी वो बनाऊंगी खिचड़ी जल्दी से, फिर करते हैं अपना लंच। तो यहाँ पे ये जो चने हैं कुछ हमने बॉयल करके मतलब उबले हुए ही रहने चाहिए, इनको मैं निकाल दूँगी इसमें, ये चीनू के खाने के लिए निकाले थे हमने। यहाँ पे ना मेरा प्लान फिर से चेंज हो गया, अब मैं सोच रही हूँ कि बॉयल वाले चने की खिचड़ी जो है वही बनाती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और इसके साथ साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, क्योंकि घी से खिचड़ी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। एक चम्मच, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ पे लिए हैं आधा कप के करीब चावल, इनको 10 मिनट हो गए हैं भिगोए हुए, तो इनको बनाऊंगी मैं। यहाँ पे हमारा ऑयल जो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो उसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से क्यूमिन सीड्स, जीरा एक चम्मच, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। मैं इसको बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, सिंपल वे में, मैं ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करूँगी। अब हमें जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देना है, थोड़ा सा वो हल्का सा ब्लैक ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जीरा जो है वो अच्छे से भुन चुका है, उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे चने जो हमने निकाल के रखे थे, बॉयल वाले जो चने हैं वो ऐड कर देंगे। अब जो चने हमने इसमें डाले ना, तो उनको काफ़ी अच्छे से हमें फ्राई करना है, क्योंकि जितने अच्छे से चावल और चने जो है वो फ्राई होंगे, उतना ही ज़्यादा टेस्ट जो है इस खिचड़ी का आता है। तो जब पहले हमारी शादी हुई थी ना, तब मम्मा हमें इस तरीके से बनाते रहते थे, हम लोग उनके पास होते थे सैटरडे सैटरडे, तो उसमें हम ये चने वाली जो खिचड़ी है ये खाते थे। वैसे तो काली दाल की खिचड़ी खाई जाती है, लेकिन बीच बीच में हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये चने की चने वाली जो खिचड़ी है ये खाते थे। मम्मा इतनी ज़्यादा टेस्टी खाते थी, और सिंपल तरीके से उसको तड़का लगाते थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता था उसमें। तो यहाँ पे हमारे जो चावल हैं और चने हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हमने इसमें बस मैंने ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया, थोड़ा सा नमक जो है मैंने चने बॉईल करते टाइम भी ऐड किया था, तो नमक थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर डालना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो ना ज़्यादा नमक हो जाए, बिल्कुल नमक नमक वाली खिचड़ी बन जाए। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा डाला है इसमें धनिया पाउडर, क्योंकि मेरा जो गर्म मसाला है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपके पास
गरम मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास गरम मसाला नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला जो है वो ऐड कर दिया। आप किचन किंग मसाला या कोई भी और मसाला जो है वो ऐड करके तो वो भी आप इससे बना सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है इससे खिचड़ी में, या फिर आप मैगी मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चने का पानी था मैंने वही ऐड किया है, लेकिन इसमें अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी। आप जितना पानी अपने खिचड़ी के लिए डालते हैं आप उसी तरीके से इसमें डालिएगा, वरना तो जो मतलब चने बॉईल करके जो पानी निकला होता है ना, अगर आपके पास वो है तो उससे तो उसी से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा औसम आता है। एक्स्ट्रा पानी अगर आप ऐड करते हैं तो टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन मेरा खिचड़ी का कोई मूड नहीं था लेकिन अभी बना रही हूँ। कुकर का अपना अपना हिसाब होता है, आप अपने कुकर के हिसाब से देख सकते हैं। इसमें हमने अगर दो विसल्स करवानी होगी, एक विसल करवानी होगी तो हमें डबल करवानी पड़ती है, दो करवानी पड़ती है क्योंकि इसमें जल्दी प्रेशर बन जाता है, जल्दी जल्दी विसल्स आ जाती हैं। तो अगर दूसरे वाले कुकर में करवानी हो फिर एक का मतलब एक ही होता है, तो आप अपने कुकर के हिसाब से देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ना इसको कर देते हैं बंद। और एक और बात, जब आप खिचड़ी पुलाव कुछ भी इस तरीके का बनाते हैं तो आपको ना तो आपको क्या करना होता है कि उसको रेस्टिंग के टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है। जैसे विसल्स आ गई उसके बाद आपने गैस का फ्लेम ऑफ किया, उसके बाद आप उसको 10 मिनट का जो रेस्ट टाइम है वो ज़रूर दीजिएगा। उससे जो है आपके चावल जब आप कुकर खोलते हैं, कुकर खोलने से पहले 10 मिनट उसको बंद रखिएगा, फिर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और खिले खिले चावल बनते हैं। और अगर आप मतलब उसका जो प्रेशर है ना वो ऑटोमेटिक रिलीज़ होने दे मतलब होने देना चाहिए खुद ही, उसके बाद ये नहीं कि जल्दी जल्दी बन गया उसके बाद जल्दी जल्दी आप प्रेशर कर दे और फिर उसको ओपन कर दे, फिर चावल अच्छे से पकते नहीं है, तो जो बाद में स्टीम रहती है उससे भी चावल जो है अच्छे से पक जाते हैं। जैसे एक विसल आई उसके बाद आप 10 मिनट का टाइम देंगे तो वो चावल अच्छे से पक जाएंगे। फिलहाल हम वेट करते हैं हमें लंच का, तो बाहर चलते हैं। अभी यहाँ पे हमारे चावल जो है वो बन चुके हैं, प्रेशर रिलीज हो चुका है थोड़ा थोड़ा उसको हम तो ये देखो कितने सुंदर चावल बने हैं हमारे खिले खिले से, अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमें चाहिए वैसे ही बने हैं। अब हम चीनी को डाल के देंगे और हम भी इंजॉय करेंगे अपना खाना। ये लोग पीछे के बाजू। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो लंच है वो हो चुका है रेडी, तो मैं भी जा रही हूँ इंजॉय करने के लिए। तो इसमें घी बटर आप ऐड कर सकते हो और अगर आपको ऐड करना हो, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगी। मुझे मन हो रहा था दही खाने का लेकिन दही हमारे पास नहीं है। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ कुछ नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।